राहुल यहीं पर रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को, तुम मोटरसाइकिल को आगे नहीं बढ़ा सकते, यहीं पर रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी बजाय तो बताओ क्यों रोकूं मोटरसाइकिल को। क्या बात है बताओ तो, मैं और मम्मी जी दोनों लोग केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने दावत पर बुलाया है हम दोनों को। अरे राहुल मैं तुम्हें यहाँ पर रोक रहा हूँ तो कोई वजह ही तो है, तभी तो रोक रहा हूँ, रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को यहीं पे। लेकिन मोदी सर जी एक बात बताओ, मेरे बेटियों को तुम क्यों रोक रहे हो, वजह तो बताओ। हम दोनों लोग केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं, दावत का टाइम निकल जाएगा जल्दी, हमें बताओ क्या बात है, आप हमें क्यों जाने नहीं दे रहे हो आगे। सोनिया जी राहुल मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम आगे नहीं जा सकते, लेकिन तुम मेरी बात को मान नहीं रहे हो। अब अगर तुम जानना ही चाहते हो कि आगे रोड पर क्या हुआ है तो मैं बताता हूँ तुम्हें। आगे रोड पर अखिलेश नाम के ड्राइवर का एक ट्रक पलट गया है। वैसे तो किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उस ट्रक से पूरा का पूरा रोड बंद हो गया है, इसीलिए तुम आगे नहीं जा सकते। और बहुत तगड़ी जाम लग गई है, दोनों तरफ काफी ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है, इसीलिए आप आगे मत जाओ। अब मम्मी जी आप ही बताओ क्या करा जाए, केजरीवाल जी ने कहा था पूरा 12 बजे खाना खाने के लिए आ जाना, लेकिन 12 तो यहीं पे बज गए और ये मोदी जी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अब कैसे करके दावत खाने को मिलेगी, मम्मी जी आप ही बताओ। मेरे बेटे ये मोदी सर जी बता तो रहे कि एक आगे ट्रक पलट गया है जिसकी वजह से पूरा का पूरा रोड बंद हो गया है, अगर अपना लोग आगे मोटरसाइकिल ले जाएंगे फिर भी तो अपनों लोगों को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये बता रहे आगे बहुत तगड़ी जाम लगी हुई है। ऐसा कर मोटरसाइकिल को वापस मोड़ ले और कोई शॉर्टकट देखते हैं केजरीवाल जी के घर पर पहुंचने के लिए। सोनिया जी एक शॉर्टकट जानता हूँ केजरीवाल जी के घर पर पहुंचने के लिए, आपकी मोटरसाइकिल आराम से वहां से निकल जाएगी। ये बराबर में अमित शाह जी का खेत है, इस खेत के बराबर में एक पतला सा पगडंडी रोड गया है, उस रोड जाना फिर पक्का रोड आ जाएगा, फिर उसी पक्के रोड से केजरीवाल जी के घर के तरफ निकल जाना, तुम्हारी दावत भी नहीं छूटेगी, जल्दी जाकर केजरीवाल जी के यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान खा लो। लालू जी ये आपने रास्ता बहुत अच्छा बताया, इसी शॉर्टकट रास्ते से केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए मैं और मम्मी जी चले जाते हैं। रोक लो मोदी जी, रोक लो अपनी रिक्शा मोटरसाइकिल, रोक लो। राहुल क्या दिक्कत है बताओ, क्या बात है। मम्मी जी एक बात बताओ, आप प्रियंका को शहर ले जा रही हो, मुझे एक शहर क्यों नहीं ले जा रही हो, मुझे भी एक जोड़ी चप्पल खरीद के लाना है, पूरा पूरा दिन जूते पहने फिरता हूँ, चप्पल नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे राहुल आज प्रियंका को शॉपिंग करा के लाने थे, अगले महीने पगार मिलेगी तो अगले महीने मैं तुझे चप्पल दिलवा लाऊंगी शहर से, तू घर जा वापस। लेकिन मम्मी जी मुझे चलो कुछ मत दिलवाना, लेकिन मोदी जी की इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी पर बैठा के ले चलो। राहुल इस पर बैठने की जगह नहीं है, इस पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकती है और 3 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी बहन प्रियंका, सोनिया जी और मायावती जी। अरे राहुल तुमने पंगा कर दिया, तुमने बेफालतू में मुझे यहाँ पर रोक लिया, देखो अखिलेश इंस्पेक्टर जी आ गए, अब ये बड़ा दिक्कत करेंगे। मोदी जी सही टाइम पे मिले, बहुत दिन से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोलो अखिलेश जी क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको मुझसे। मोदी जी मुझे पता तो बहुत दिन का था कि आप रोड पर अमान्य चीज चला रहे हो, आज देख भी लिया आपने ये मोटरसाइकिल में पीछे रिक्शा लगा दिया है। इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी को तुम्हें चलाने का रोड पर परमिशन है। अरे मोटरसाइकिल पे तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकती हो, तीसरा आदमी भी बैठता है चालान कट जाता है, और तुम कुल मिलाकर 4 लोग बैठे हुए हो, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल का चालान काटना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी आप मोटरसाइकिल को तो देख रहे हो, पीछे तो रिक्शा लगा हुआ है मोटरसाइकिल के, रिक्शे पर तो मैं 3 या 4 कितने भी आदमी बैठा सकता हूँ, उसका चालान थोड़ी कटेगा। बात तो ठीक कह रहे हो मोदी जी, रिक्शे का चालान नहीं कटेगा, और रही मोटरसाइकिल की बात, देखो मोटरसाइकिल पे तो मैं और प्रियंका अकेले बैठी हुई है, और पीछे रिक्शे पर मायावती जी और सोनिया जी बैठी हुई है, तो चालान किस बात का कटेगा। अरे अखिलेश सर जी हमें जाने दीजिए, हमें शहर जल्दी पहुँचना है। प्रियंका अगर तुम्हें शहर जल्दी पहुँचना है इससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे आपको ड्यूटी करना है अखिलेश जी, और कहीं जाकर कीजिए, यहीं पर ड्यूटी करने को रह गए हो, बेफालतू में हमें परेशान कर रहे हो। मायावती जी आप चुप रहिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन मोदी जी मुझे एक चीज याद आई, आपका रिक्शा तो इस मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, तो मोटरसाइकिल और रिक्शा तो एक ही हो गए, और तुम मोटरसाइकिल पे इतने लोग बैठे हुए हो, चालान तो कटेगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।